तो दोस्तों आपके पास जो बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड था, उस डेबिट कार्ड को अगर एटीएम मशीन में जाके वहां से ट्रांजैक्शन करते हैं पर आपका डेबिट कार्ड से पेमेंट कट जाता है पर वहां पे आप कैश रिसीव नहीं कर पाते हैं, ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा है और आपका पेमेंट अभी तक वापस नहीं आया है, तो कैसे वापस ला सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने कस्टमर केयर से भी बात किया था और पूरा डिटेल मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहले होता क्या कि दोस्तों तीन तरह का ट्रांजेक्शन आपका यहाँ पर फेल होता है। पहला ट्रांजेक्शन ये है कि जैसे आप डेबिट कार्ड वहां पे लगाते हैं, लगाने के बाद आपका डेबिट कार्ड से पेमेंट तो कट जाता है पर ट्रांजैक्शन आपको रिसीव नहीं होता है, पहला कंप्लेंट तो ये हो जाता है। दूसरा इशू ये मिलता है कि जैसे डेबिट कार्ड से आपका फुल पेमेंट कटा है पर पार्शियल ट्रांजैक्शन दोस्तों आपका वहां पे कैश में निकला है, दूसरा इशू ये भी होता है। और तीसरा इशू ये होता है कि जैसे आप दो बार वहां पे डेबिट कार्ड लगाते हैं और दोनों बार आपका डेबिट कार्ड से पेमेंट कट जाता है और दोनों बार आपका वहां पे कैश रिसीव नहीं होता है, तो तीन तरह के दोस्तों यहां पे कंप्लेंट देखने को मिलते हैं। तीन तरह के कंप्लेंट में से कौन सा कंप्लेंट है वो आपको यहां पे देख लेना। मैंने यहां पे कस्टमर केयर से बात किया था कि अगर मेरा डेबिट कार्ड से पेमेंट कट जाता है तो मेरा डेबिट कार्ड से पेमेंट कटने के बाद तुरंत पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, इसके लिए क्या प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, तो कस्टमर केयर ने मुझे डायरेक्ट यह बताया था कि अगर आपका डेबिट कार्ड से पेमेंट कटता है तो 24 आवर तक आपको यहां पर वेट करना है और उसके बाद दोस्तों आपको वहां पर कंप्लेंट जनरेट करना है। डायरेक्ट आप चाहिएगा कि डेबिट कार्ड से कट गया है और 5-6 दिन में ऑटोमेटिक आपका पेमेंट रिसीव हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आप कस्टमर केयर की बात पे सुन ले। नहीं, बस यही पूछना था। तो दोस्तों आपने यहाँ पे कस्टमर केयर की बात सुन ली है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे आप बैंक ब्रांच में जाते हैं, बैंक ब्रांच में जाइएगा तो वहाँ पे आपको एक कंप्लेंट फॉर्म मिलेगा और उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है, साथ में जो एटीएम मशीन से आपका जो पेमेंट कटा है उसका स्लिप आप वहाँ पर निकाल के रख सकते हैं, या आप आपके मोबाइल में अगर स्लिप नहीं निकल रहा है तो आपके मोबाइल में जो आपका पेमेंट कटा है उसका रिसीप आपको देखने मिलेगा, उसका स्क्रीन शॉट आप यहाँ पर फोटो कॉपी करके निकाल सकते हैं और उसको आपको अटैच करना है। साथ में जो पासबुक होता है, पासबुक का भी फ्रंट पेज जो है उसको आपको अटैच करना है, अकाउंट नंबर आपको लेके जाना है और साथ में दोस्तों आपका जो भी कंप्लेन है वो आपको फिलअप कर लेना है। आपको मैं बता दूं कि यही सेम प्रोसेस आप ऑनलाइन में भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में आप वहां पे जाइएगा, जो चीज लिखिएगा और वही वेबसाइट में जाके बैंक ब्रांच वाले वहां पर फिलअप करते हैं, तो डायरेक्ट आप चाहिएगा तो ऑनलाइन में भी दोस्तों आप वहां पर फिलअप कर सकते हैं, अपना कंप्लेन को जनरेट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, काफी ईजी आपके लिए वो प्रोसेस हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पे बात आती है कि अगर आप मान लीजिए कि कोई कंप्लेंट कर देते हैं, बैंक में जाके आपने कंप्लेंट कर दिया है तो कितने दिन में आपका यहां पे पेमेंट आएगा, तो मैंने बैंक ब्रांच से यहां पे बात किया था कि अगर मैं कंप्लेंट करता हूं चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन अगर कंप्लेंट करता हूं तो कितने दिन में मेरा पेमेंट आएगा, तो उन लोगों ने मुझे बताया था कि जब भी आप कंप्लेंट करते हैं तो 45 डे वर्किंग जो डे होता है, जैसे वर्किंग डे 45 डे जो होगा, इसी दौरान दोस्तों आपका यहां पर पेमेंट आएगा कि जो एटीएम मशीन में जो भी वहां पर पेमेंट यहां पर जमा किया जाता है और दोबारा वहां पे जब पेमेंट वहां पे डाला जाता है तो जो भी पिछला बैलेंस होता है उसको मैच किया जाता है और जो भी एक्स्ट्रा वहां पे बैलेंस निकलता है उसके बाद आप जो भी कंप्लेन करते हैं उस बैलेंस को मैच करने के बाद ही आपको वहां पे पेमेंट मिलता है। तो अगर जब भी दोबारा वहां पे कोई भी वहां पे पेमेंट बैंक वाले जाते हैं, वहां पे पेमेंट वहां पे जमा करते हैं, तो अगर 5 दिन में 10 दिन में 15 दिन में जब भी जा रहे हैं, जब वहां पे पूरा बैलेंस चेक करेंगे देन उसके बाद ही दोस्तों आपको पेमेंट मिलेगा। हो सकता है कि आपको 5 दिन में ही मिल जाए, 15 दिन में ही मिल जाए या 20 दिन में मिल जाए, मैक्सिमम आपको 45 दिन के अंदर में दोस्तों ये पेमेंट देखने मिलेगा, ये मुझे बैंक के ब्रांच में बताया गया था। तो दोस्तों यहां पे क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं और आप यहां पे सोचिएगा कि आपका पेमेंट कट गया है, 24 आवर हो गया है, 5 दिन हो गया है, आपका पेमेंट आ जाएगा, तो दोस्तों आपका पेमेंट नहीं आएगा, आपको ऑफलाइन में जाके ही वहां पर कंप्लेन करना होगा और ऑफलाइन नहीं जा सकते हैं तो आप इंड स्क्रीन में देखिए आपको ऑनलाइन वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, आप ऑनलाइन में भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं, ज्यादा इजी प्रोसेस है और इसको फॉलो करने के बाद दोस्तों आपका पेमेंट कहीं नहीं फंसेगा, आपका पेमेंट जरूर आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।